हेलो बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग येट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉटेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं फ्रॉम बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज स्ट्रेचिंग तो जी हाँ स्ट्रेचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके उसके सारे कंसेप्ट इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे तो बच्चों स्ट्रेचिंग का जो टॉपिक है ना ये वैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक है बट मैंने इसको ना थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है पार्ट वन में हम पढ़ेंगे इसकी बेसिक चीज़ें टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेचिंग बेनिफिट्स इंडिगेशन कॉन्ट्राइंडिगेशनस प्रिकॉशंस कैरेक्टरसिक्स ऑफ स्ट्रेचिंग ठीक है ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम पार्ट वन के अंदर पार्ट टू के अंदर हम करेंगे क्या गाइडलाइंस रहती रहती हैं हैं या फिर क्या टेक्निक्स डू तो स्ट्रेचिंग ठीक है तो पार्ट टू में हम पढ़ेंगे वो एंड पार्ट थ्री में हम इसका बायोमैकेनिकल आस्पेक्ट और फिजियोलॉजिकल फिजोलॉजिकल्ट पढ़ेंगे स्ट्रेचिंग का वो हम पढ़ेंगे पार्ट थ्री के अंदर तो इस चैप्टर को यानी कि स्ट्रेचिंग का जो चैप्टर है इसको मैंने इस तरह से तीन पार्ट में डिवाइड किया है तो ये वीडियो जो है इसके पार्ट वन की है जिसमें हम ये सारी बेसिक चीजें स्ट्रेचिंग की हैं वो पढ़ने वाले हैं तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जरूर देखना और अगर हाँ आपको इसका एक पी चाहिए हो नोट्स का विथ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना उसका पी डी मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगी जल्दी से जल्दी बट इट विल बी पेड राइट सो आप जल्दी से अपना शुरू करते हैं वीडियो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना जहां पे भी डाउट हो वहीं पे रोक के मुझसे पूछ लेना और हाँ ये जो मैं सारा मटेरियल आपको दूंगी इस वीडियो के अंदर ये सारा मैंने कलेक्ट किया है डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल से और जो हमारी रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक हैं उनसे वीडियो के एंड में मैंने उन सबके रेफरेंसेस भी दे रखे हैं राइट तो जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं मन लगा के ध्यान से पढ़ना अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो स्ट्रेचिंग है इस टर्म का ही मतलब क्या होता है मेडिकल कंटेक्सट में तो हम इसे बाद में समझेंगे पहले हम एक बेसिक चीज़ समझते हैं कि वॉट इज़ स्ट्रेचिंग इन अ वेरी लेमैन टर्म राइट फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास ये एक रबर बैंड है ठीक है अगर मैं इसको इस तरह से पकड़ के खींचती हूँ है ना तो हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं आई एम स्ट्रेचिंग द रबड़ बैंड ठीक है band, तो ये क्या हुआ कि मैंने इस चीज़ को जो नॉर्मल इज़ शेप एंड साइज की थी मैंने उसको पकड़ के इस तरह से स्ट्रेच कर दिया खींच दिया हिंदी में जैसे हम कहते हैं ना मैंने इसको खींच दिया लंबा कर दिया ठीक है तो ये होता है स्ट्रेचिंग इन अ वेरी बेसिक एंड लेमैन एस्पेक्ट, राइट अब मेडिकली स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है तो देखो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा मसल्स हैं फेशिया हैं बोन्स हैं ये सारी चीज़ें हैं अब इनमें से हमें पता है कि जो मसल है वो एक इलास्टिक टिश्यू रहता है ठीक है उसके अंदर एक्सटेंसिबिलिटी की प्रॉपर्टी रहती है फ्लेक्सीबिलिटी की प्रॉपर्टी जो होती है वो भी हमारी मसल से ही हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है तो ये जो मसल है क्योंकि ये एक एक्सटेंसिबल टिश्यू है तो इसकी टेंडेंसी होती है स्ट्रेचिंग में जाने की यानी कि ये एक ऐसा समझो कि इस रबड़ बैंड से ही रिलेटेड स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के कंपैरिजन में अगर आपको बताऊँ और इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं इलोंगेट कर सकते हैं राइट right? तो स्ट्रेचिंग की अगर एक बार हम डेफिनेशन देखें सो इट इज़ द इलोंगेशन ऑफ द पैथोलॉजिकली शॉर्टन और टाइटन सॉफ्ट टिश्यू विद द हेल्प ऑफ़ सम थेराप्यूटिक टेक्निक सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन की जो स्ट्रेचिंग है वो होता क्या है तो देखो डेफिनेशन में हमें क्या पता चला कि हम इलोंगेशन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ये रबड़ बैंड जो था इसकी लेंथ इतनी थी बट मैंने इसे स्ट्रेच किया और मैं इसको इतनी लेंथ पे ले गई यानी कि इस रबड़ को मैंने इलोंगेट कर दिया है ना तो जब हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो मसल्स हैं जो सॉफ्ट टिश्यू हैं जब वो किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से शॉर्ट एंड पोजिशन में आ जाते हैं तो उसको रिलीज करने के लिए या फिर उसको अपनी सही पोजिशन पर लाने के लिए हम दे देते हैं स्ट्रेचिंग ठीक है तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है कि इट इज द इलांगेशन ऑफ द पैथोलॉजिकली शॉर्टेंड और टाइटेंड सॉफ्ट टिश्यू जिसको हम एक थेराप्यूटिक मेन्यूवर यानी कि स्ट्रेचिंग देने की भी एक प्रॉपर टेक्निक होती है हम ऐसे ही कहीं पर भी रैंडमली बिना कोई प्री एंड पोस्ट केयर के स्ट्रेचिंग नहीं देते है ना तो एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिस जिससे आप स्ट्रेचिंग अच्छे से दे पाओगे और उसका इफेक्ट भी है वो ज़्यादा देर तक बना रहे अब देखो इस स्लाइड में मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जो स्ट्रेचिंग है ना वो एक बहुत लेमैन टर्म है हम यूजुअली भी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं या फिर नॉर्मली भी जब हम बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि हाँ स्ट्रेचिंग या फिर अगर आप जिम जाते हो और एक्सरसाइज पे अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो आपने जरूर सुना होगा कि हम पहले और एक्सरसाइज करने के बाद थोड़े स्ट्रेचेस कर लेते हैं ताकि मसल है उसके अंदर सोरनेस ना आए तो स्ट्रेचिंग जो है ना एक बहुत ही लेमैन और बहुत ही वेक टर्म है अब स्ट्रेचिंग जो है ना इसका मेन काम यह रहता है कि यह हमारी मसल्स की हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं उनकी एक्सटेंसिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है और मसल की अगर फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी इंप्रूव होगी तो इनडायरेक्ट डायरेक्टली और डायरेक्टली जो जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन है जो पर्टिकुलर मसल जिस जॉइंट को सप्लाई कर रही है उसका जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी इंक्रीज ही होगा है ना अगर मान लो मेरी कोई मसल है फॉर एग्जांपल हैमस्ट्रिंग मसल है जो हैमस्ट्रिंग मसल होती है आपकी वो बहुत प्रोन होती है शॉर्टनिंग में जाने की है ना आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर शॉर्टनिंग बहुत कॉमनली देखने को मिलेगी पेशेंट की तो उसकी वजह से क्या होता है या तो वो हिप के मूवमेंट पे असर डालेगी या फिर वो नी जॉइंट के मूवमेंट पे असर डालेगी तो उसकी वजह से क्या होगा पेशेंट को या जिस इंडिविजुअल की हैमस्ट्रिंग मसल टाइट है उसको प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी तो अगर मैं उस मसल को शॉर्टेंड पोजीशन में जो वो शॉर्टनिंग में आ गई है उसको रिलीज कर दूं थ्रू दिस स्ट्रेचिंग मैनीवर तो उसकी जो सारी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगे बिल्कुल क्योंकि जो प्रॉब्लम की जड़ थी जहां से प्रॉब्लम अरइज हो रही थी वो हो रही थी शॉर्टनिंग ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल तो उसकी वजह से क्या होगा जो मसल की फ्लेक्सिबिलिटी है जो एक्सटेंसिबिलिटी है वो इंप्रूव हो रही है उसकी वजह से जो उसको हिप यानी किसी भी जॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही थी वो उसकी ठीक हो जाएगी तो ये रहता है बेसिक स्ट्रेचिंग का एक पूरा मैंने आपको लेआउट दे दिया एक ब्रीफ दे दिया कि स्ट्रेचिंग क्या होता है बहुत लेमैन टर्म्स में मैंने समझाया आपको बच्चों अगर फिर भी यहां तक कोई डाउट है तो यहीं पे वीडियो रोक के मुझे कमेंट्स में पूछो अगर यहां पे आपको कोई डाउट आ रहा है तो अब जब आप स्ट्रेचिंग पढ़ोगे अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो स्ट्रेचिंग है अब हम थोड़ा और स्टेप बाय स्टेप ना डिटेल में जाते जा रहे हैं अभी हमने बहुत सुपरफिशियली और थोड़ा सा डिटेल में स्ट्रेचिंग को समझा कि स्ट्रेचिंग होता क्या है और उसकी डेफिनेशन को भी हमने अच्छे से समझा अब एक टर्म आती है जब आप किसनर की बुक खोल के पढ़ोगे ना तो आप एक टर्म देखोगे सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं हैमस्ट्रिंग वाला ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करती हूँ सपोज़ करो कि पेशेंट को हैमस्ट्रिंग टाइटनेस है उसकी वजह से जो उसका लो बैक का एरिया है वहाँ तक उसको पेन जा रहा है कमर में दर्द है बट उसका आपने रीज़न डायग्नोस कर लिया कि इसको हैमस्ट्रिंग मसल टाइटनेस है जिसकी वजह से इसका यहाँ पे लो बैक पेन हो रहा है राइट right. अब उसमें हम क्या करेंगे कि जो पेशेंट का लो बैक है ना उसको तो स्टेबलाइज़ रखेंगे और हम स्ट्रेचिंग कहाँ की देंगे उसको हैमस्ट्रिंग मसल की यानी कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थाई में उसको हम स्ट्रेचिंग देंगे क्योंकि मसल जो है वो वहीं पे प्लेस्ड है ना तो हमने क्या किया हैमस्ट्रिंग को हमने स्ट्रेच किया और बाकी पूरी बॉडी को हमने स्टेबलाइज करके रखा और ये स्ट्रेचिंग करने से इफेक्ट कहाँ पे आएगा लो बैक पेन के ऊपर पेशेंट के तो यानी कि आप स्ट्रेचिंग कहाँ दे रहे हो हैमस्ट्रिंग मसल में दे रहे हो बट उसका जो इफेक्ट है वो कहाँ आ रहा है लो बैक पेन के ऊपर आप क्या चीज़ इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि उसका जो पेन है वो कम हो जाए पेन खत्म हो जाए ये होता है आपका सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग देखो नाम से ही अगर आप इसको समझोगे तो सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग कि मैं एक सिलेक्टिव पार्ट की ही स्ट्रेचिंग दे रही हूँ पेशेंट का ओवरऑल फंक्शन इंप्रूव करने के लिए सो दिस इज सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग सो वाइवा में या फिर थ्योरी एग्जाम में भी ना ये टू मार्क्स में डेफिनेशन पूछ लेते हैं सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग क्या होता है या फिर एग्जामिनर्स आपका जब वाइवा में आता है ना तो वो यहीं उलझा

स्ट्रेचिंग तो अभी एक बार इन सारी टर्म्स को हम देख लेते हैं कि ये सारी टर्म्स क्या क्या हैं। सबसे पहला आता है फ्लेक्सिबिलिटी अब मसल के अंदर हम कहते हैं ना कि मसल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए या फिर आपने ओवरऑल भी सुना होगा लोकल में जैसे हम लेमैन में बात करते हैं कि इसकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इसकी बॉडी कम फ्लेक्सिबल है तो ये वही फ्लेक्सिबिलिटी है उसी की डेफिनेशन है इसकी डेफिनेशन क्या है एबिलिटी टू मूव अ सिंगल जॉइंट और अ सीरीज ऑफ जॉइंट्स स्मूदली एंड ईजिली थ्रू अनरिस्ट्रिक्टेड एंड पेन फ्री आरओ है मतलब कि फ्लेक्सीबिलिटी में देखो क्या होता है कि अगर मैं किसी पेशेंट को या किसी इंडिविजुअल को बोलूँ कि आप खड़े रह के अपने हाथों से पैरों को टच करिए विदाउट बेंडिंग योर नीज़ तो कुछ इंडिविजुअल्स तो होंगे जो पूरा टोस को टच कर लेंगे कुछ होंगे जो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे आधे में ही उनके हाथ रुक जाते हैं है ना दैट मीन्स उनके जो लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग वाला एरिया है वहाँ पर इतनी फ्लेक्सीबिलिटी नहीं है वो मसल जितनी फ्लेक्सीबल नहीं है है ना तो मीन्स कि उनकी जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो कम है सो so, फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने के ना काफ़ी स्केल्स आते हैं जिन पे आप पेशेंट को रैंक कर सकते हो उसके हिसाब से आप फ्लेक्सिबिलिटी की ग्रेडिंग कर सकते हो दूसरी जो टर्म आती है यहाँ पे वो है ओवर स्ट्रेचिंग फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक रबड़ बैंड है ठीक है मैंने इस पर स्ट्रेच लगाया इतना ओवर स्ट्रेचिंग क्या हो जाएगा कि भाई मैं इसको बिल्कुल फाड़ ही दूंगी मैंने बहुत ज्यादा इसको ओवर स्ट्रेच यानी कि स्ट्रेचिंग की भी जो लिमिट है ना उसके मैं ओवर ले गई हूँ दैट इज ओवर स्ट्रेचिंग अगर आपने किसी इंडिविजुअल का ओवर स्ट्रेच किया तो आप उसको फायदा पहुंचाने के बजाय ना आप उसका नुकसान तो जरूर कर ही रहे हो तो ओवर स्ट्रेचिंग हमें किसी भी कंडीशन में चाहे कोई भी कंडीशन हो कभी नहीं देनी होती इट इज़ इंडिकेटेड और अगर आप देते हो तो ये आपका ही फॉल्ट माना जाएगा क्योंकि पेशेंट को तो नहीं पता पेशेंट को तो पेन की सेंसेशन होगी बाद में जो उसके सिम्टम्स हैं वो वर्सन भी होने लग जाएंगे तो इसलिए ओवर स्ट्रेचिंग हमें कभी नहीं देनी नेक्स्ट टर्म इज फंक्शनल आर ओ एम अब आपने नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन की डेफिनेशन देखी होगी कि एक ज्वाइंट पे आप कितना मूवमेंट कर सकते हो कितना डिग्रीज ऑफ मूवमेंट कर पा रहे हो दैट इज योर रेंज ऑफ मोशन अब जब इसके आगे फंक्शनल फंक्शन ये वर्ड लग जाता है उसका मतलब होता है कि आप डेली फंक्शन में एडीएल्स के अंदर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में आप जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हो उसमें आपको जितना फंक्शनल आर चाहिए होता है जितना उसमें रिक्वायर्ड होता है उतना आर जब आप यूज़ करते हो तो वो रहता है आपका फंक्शनल आर फॉर एग्जाम्पल शोल्डर फ्लेक्शन की जो रेंज है एबडक्शन की जो रेंज है इट इज़ वन एटी डिग्रीज वन एट्टी डिग्रीज रिस्पेक्टिवली है ना बट क्या हम रोज हर काम के लिए शोल्डर को 180 एटी डिग्रीज तक लेके जाते हैं नहीं दैट इज़ द एक्चुअल आर ओ एम कि आपके शोल्डर का कंप्लीट आर ओ एम है बट डेली एक्टिविटीज़ के लिए जो आइडियल रेंज बताई गई है फंक्शनल रेंज वो किसके बीच में रहती है 90 टू 120 ट्वेंटी डिग्रीज के बीच में ही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा 130 इसके ऊपर तो अपना हाथ बहुत रेयर लेके जाते हैं सो so, जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं जो हम रोज़ करते हैं उसमें जो आर ओ एम यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल आर ओ एम जो नेक्स्ट टर्म आती है इज दी हाइपो मोबिलिटी या हाइपर मोबिलिटी अब इसको मैं उसी एग्जांपल से कोरिलेट करूंगी वापस जो मैंने आपको कहा था कि आप खड़े होते हो और आप अपने फीट को टच करने की कोशिश करते हो विद योर हैंड्स विदाउट बेंडिंग योर नीज तो उसमें क्या होगा कुछ इंडिविजुअल्स तो टच ही नहीं कर पाएंगे उनके हाथ घुटनों तक ही रुक जाते हैं इससे ज्यादा वो झुक ही नहीं पाएंगे सो मीन्स दैट पर्सन इज हाइपो मोबाइल हाइपो मतलब हुआ कम मोबाइल मीन्स इसके अंदर मोबिलिटी ही नहीं है ठीक है हाइपर मोबिलिटी में क्या होगा अच्छा कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि वो पैरों से भी नीचे अपना हाथ ले जाएंगे बिल्कुल जमीन तक भी टच कर लेंगे तो दैट मीन्स दे आर हाइपर मोबाइल इनमें कुछ ज़रूरत से ज्यादा ही मोबिलिटी है ज़रूरत से ज्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो होती है हाइपर मोबिलिटी अब देखो जो स्ट्रेचिंग है ना वो भी तीन तरीके से हम दे सकते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग डायनामिक स्ट्रेचिंग एंड प्री कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेचिंग अब ये सारी स्ट्रेचिंग ये स्ट्रेचिंग की ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है इनके अंदर फिर फर्दर क्लासिफिकेशन आती है स्ट्रेचिंग की बट ब्रॉडली दीज आर द थ्री क्लासिफिकेशन स्टैटिक डायनामिक एंड प्री कॉन्ट्रैक्शन इन तीनों को अच्छे से याद रखना ये जो बच्चों में आपको डेफिनेशन बता रही हूँ ना ये आपको ना किसनर में मिलेगी ना किसी बुक में मिलेगी क्योंकि ये जो सारी डेफिनेशन है ना ये मैंने आर्टिकल्स में से ढूंढ के निकाली है आपके लिए ये वाली टाइप की क्लासिफिकेशन आप लक्ष्मी नारायण देख लो आप मार्गरेट हॉलेज देख लोगे आप किसनर देख लोगे बट इस तरह का क्लासिफिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा सब ने अपने अपने वर्जन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेचिंग दे रखे हैं बट ये जो मुझे सबसे बेस्ट लगा ये मैंने एक आर्टिकल से दो तीन आर्टिकल से कंबाइन करके ये पूरा स्ट्रेचिंग का आपको क्लासिफिकेशन दिया है यहाँ पे सो तो इससे आपके जो सारे कंसेप्ट हैं टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे तो इसको ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना सबसे पहला हमने पढ़ा स्टैटिक स्ट्रेचिंग अब देखो नाम से समझो पहले स्टैटिक का मतलब क्या होता है रुका हुआ और स्ट्रेचिंग यानी कि इलोंगेट करना जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा सो so इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार वेन अ स्पेसिफिक पोजिशन इज हेल्ड विद द मसल ऑन टेंशन टू अ पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेचिंग सेंसेशन एंड इज रिपीटेड अगेन फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मेरा ये रिस्ट है मुझे रिस्ट की स्ट्रेचिंग करनी है फ्लेक्सर्स की यहाँ पर फोराम फ्लेक्सर्स की मुझे स्ट्रेचिंग करनी है अब मैं हाथ को इस तरीके से लेके गई इस पोजीशन पे आके मेरे को यहाँ पे हल्का हल्का स्ट्रेच फील होने लगा ये मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ रिस्ट के फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग इस तरीके से नहीं होती है उनकी प्रॉपर पोजीशनिंग होती है जब हम सेल्फ स्ट्रेचिंग करते हैं बट मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए चीज़ बता रही हूं अब मैं इसकी ऐसे स्ट्रेचिंग कर रही हूँ अब इस पॉइंट पर आके मान लो मुझे यहाँ पे आ, मसल के अंदर स्ट्रेच सेंसेशन फील होने लग गया अब मैं यहाँ पर आई तो मैंने इस पॉइंट पर इस स्ट्रेच को रोक दिया और मैंने इसी पोजिशन पर इस स्ट्रेच को रोक के रखा है ना ना मैं ऊपर लेके गई ना मैं नीचे लेके गई बस यहाँ पे मेरी स्ट्रेच सेंसेशन आ रही है मुझे मसल में यहाँ पे मैंने उसको रोक दिया स्टैटिक मतलब रोक दिया तो इस तरह की स्ट्रेचिंग को कहते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग फिर मैंने 30 सेकेंड का होल दिया फिर मैं वापस यहाँ पे आ गई फिर मैं दोबारा लेके जाऊँगी इसको उसी पोजीशन पे जहाँ पे पेशेंट मुझे बोलेगा कि हाँ मुझे स्ट्रेच सेंसेशन आ रही है वहाँ पे मैंने फिर से इसको रोक दिया इस तरीके से मैं तीन सेट ल, तीन बार करूंगी स्ट्रेचिंग विथ थर्टी सेकेंड होल्ड तो ये कौन सी हो गई मेरी स्टैटिक स्ट्रेचिंग नेक्स्ट इज द डायनामिक स्ट्रेचिंग डायनामिक का क्या मतलब होता है चलता फिरता वो नहीं रुकता डायनामिक का मतलब होता है चलता फिरता हुआ तो ये क्या होती है हमारी मूवमेंट बेस्ड टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग ध्यान रखना मूवमेंट बेस्ड टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग कई बार सीधा ये वन लाइनर में क्वेश्चन आता है वॉट इज अ मूवमेंट बेस्ड टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग या फिर जब आप यू नो कॉलेज के बाद एम के लिए प्रिपेयर करते ना तो एम वगैरह जो पेपर होता यूनिवर्सिटीज के वहां पे भी इस तरीके क्वेश्चन बहुत आते हैं कि वो दूसरे नेम से स्ट्रेचिंग के बारे में पूछ लेते हैं तो इसको हम कहते हैं डायनामिक स्ट्रेचिंग इसमें क्या होता है हम स्ट्रेचिंग भी दे रहे हैं और साथ के साथ पेशेंट की जो लिम है उसको मूव भी कर रहे हैं है ना मान लो ये मेरे फॉराम फ्लेक्सर्स हैं और मुझे इनकी डायनामिक स्ट्रेचिंग देते जाना है तो मैं मूवमेंट भी कर रही हूँ और मैं स्ट्रेचिंग भी दे रही हूँ तो मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेचिंग हो रही है मेरी तो इसे हम कहते हैं डायनामिक स्ट्रेचिंग नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द प्री कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेच तो अब इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है इट इन्वॉल्व अ कंट्रेक्शन ऑफ द मसल बींग स्ट्रेच और इट्स एंटागनिस्ट बिफोर स्ट्रेचिंग प्री कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेचिंग यानी कि स्ट्रेचिंग देने से पहले हमने एक प्री कॉन्ट्रैक्शन दिया उस तरह की स्ट्रेचिंग को हम कहते हैं प्री कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेचिंग यानी कि जब मैं इस मसल का स्ट्रेचिंग करवाने वाली हूँ तो एक बार मैंने इसको या इसके एंटागनिस्ट को एक बार उसमें हल्की सी मैंने कॉन्ट्रैक्शन करवाई फिर मैंने स्ट्रेच दिया अब इनके बारे में ये मैंने आपको बहुत सुपरफिशियली एंड वेगली बताया कि इन तीनों का मोटा मोटे तौर पर क्या मतलब होता है अब इनके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन आती है अब वो हम एक एक करके डिटेल में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर समझते हैं देखो स्टैटिक स्ट्रेचिंग में क्या आ रहा है एक्टिव एंड पैसिव तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग आपकी दो तरीके से होती है डायनामिक स्ट्रेचिंग भी आपकी दो तरीके से होती है एक्टिव एंड दैलिस्टिक स्ट्रेचिंग प्री कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेचिंग में आपकी पी एन एफ टेक्निक्स आती हैं और कुछ दूसरी टेक्निक्स हैं वो आती हैं इनको हम यहाँ पे एब्रीविएशन या फिर शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं जिनका जो फुल फॉर्म है वो भी आपको यहाँ ब्रैकेट में नीचे कॉर्नर पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है अब हम एक एक करके इन सारी स्ट्रेचिंग के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं सबसे पहला हाँ अब सबसे पहले ये देखो ये पूरा फ्लो चार्ट है पूरा चार्ट है जो मैंने एक आर्टिकल से लिया है टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स स्टैटिक डायनामिक एंड प्री कॉन्ट्रैक्शन स्टैटिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू एक्टिव एंड पैसिव डायनामिक इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू एक्टिव एंड बेलिस्टिक प्री कॉन्ट्रैक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू वन इज द पी एन एफ टेक्निक एंड द अदर इज द अदर टेक्निक्स पहले अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग है ये क्या होता है तो इसको हम शॉर्ट में एस एस भी कहते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग जैसा मैंने आपको भी समझाया था कि मूवमेंट इसमें एक जगह पर रोक दी जाती है रुकी हुई स्ट्रेचिंग को हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग कहते हैं तो ये इसकी पूरी एक प्रॉपर डेफिनेशन है अब एक बार स्टैटिक स्ट्रेचिंग विच इज डिनोटेड बाई एस एस इज स्लो पेस्ड कंट्रोल्ड फिजिशियन एक्टिविटी विच इनवॉल पुटिंग द बॉडी पार्ट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन दैट इलोंगेट्स द मसल विदाउट कॉजिंग पेन विद लो फोर्स फॉर अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम यूजअली थर्टी सेकेंड्स अब देखो क्योंकि ये स्ट्रेचिंग जो है वो बहुत स्लो है आप एक जगह पर ला के अपने मूवमेंट को रोक देते हो तो ये जो होती है ना ये बहुत स्लो पेस्ड होती है और हमारे हाथ में होती है मतलब ये कंट्रोल्ड मैनर में हो सकती है क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी का काम नहीं हो रहा है बहुत क्विकली आप कोई चीज़ नहीं कर रहे हो धीरे धीरे कर रहे हो तो ये बहुत ही कंट्रोल्ड वे में हो सकती है इसके अंदर फर्दर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग आती है एक्टिव एंड द पैसिव एक्टिव स्ट्रेचिंग आप नाम से ही समझ गए होंगे सेल्फ स्ट्रेचिंग जब मैं अपनी मसल्स की अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग खुद से ही कर रही हूं तो वो होती है सेल्फ स्ट्रेचिंग जो आपने देखा होगा जिम वगैरह में करते हैं या फिर एथलीट्स करते हैं गेम से पहले अपनी ट्रेनिंग से पहले वो होती है सेल्फ स्ट्रेचिंग तो सेल्फ स्ट्रेचेस हम पेशेंट को सिखा देते हैं एक बार वो सीख जाता है तो फिर वो एक्टिवली भी अपने घर में भी विदाउट एनी गाइडेंस एंड सुपरविजन वो कर सकता है तो वो होती है एक्टिव स्ट्रेचिंग पैसिव स्ट्रेचिंग क्या होता है जब एक एक्सटर्नल फोर्स यूज करते हैं हम टू डू स्ट्रेचिंग जैसे कि मैं जाके पेशेंट को स्ट्रेचिंग करवाऊं पेशेंट के अगर फॉराम फ्लेक्सर्स में दिक्कत है मुझे यहां की स्ट्रेचिंग करानी है हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग करानी है तो मैं एज अ थेरेपिस्ट खुद जाके उसको स्ट्रेचिंग करवा रही हूं दैट इज दी पैसिव स्ट्रेचिंग दूसरी तरीके की जो स्ट्रेचिंग थी वो थी डायनामिक स्ट्रेचिंग इसको हम डिनोट करते हैं डी एस से तो ये क्या थी ये एक मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेचिंग थी है ना कि हम मूवमेंट भी कर रहे हैं और स्ट्रेचिंग भी कर रहे हैं तो ये भी कंट्रोल्ड होती है बट क्योंकि इसमें मूवमेंट भी हो रही है और स्ट्रेचिंग भी हो रही है तो उतनी कंट्रोल तो नहीं रहती जितनी स्टैटिक वाली रहती है बट हाँ इसके अंदर जो चांसेज ऑफ इंजरी हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द स्टैटिक स्ट्रेचिंग अब आती अब ये भी ना आपके दो तरीके की हो जाती है एक्टिव एंड द बेलिस्टिक स्ट्रेचिंग एक्टिव में क्या होगा एक्टिव स्ट्रेचिंग के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो कोई मसल है वो शॉर्ट एंड है तो उसके बिल्कुल एंड रेंज तक मैं मसल को लेके जा रही हूँ फिर मैं वापस लेके आ रही हूँ और फिर मैं उसे वापस उसकी एंड रेंज तक लेके जा रही हूँ एंड ये प्रोसेस रिपीट करते हैं इस टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग के अंदर दूसरा आता है आपका बेलिस्टिक स्ट्रेचिंग तो ये जो बेलिस्टिक स्ट्रेच है इसके बारे में भी आपने डेफिनेटली ज़रूर कहीं ना कहीं ये जो टर्म है ये सुनी होगी इसमें क्या होता है बिल्कुल रैपिड यानी कि एकदम से ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स देते हैं हम बाउंसिंग एट द एंड रेंज ऑफ मोशन इस वाली स्ट्रेचिंग के अंदर हम बहुत झटके से बहुत रैपिडली और बहुत ज़्यादा थर्स्ट की मूवमेंट देते हैं इसकी वजह से क्या होता है इसके अंदर जो चांसेस ऑफ इंजरी है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए इसको यूजुअली अब हमने रेकमेंड करना भी बंद कर दिया है बुक्स में भी आपको ये लाइन मिल जाएगी और कई आर्टिकल्स भी हैं जो बेलिस्टिक स्ट्रेचिंग को अब कम्प्लीटली अवॉइड करने के लिए कहते हैं क्यों क्योंकि इससे ठीक होने की बजाय ना पेशेंट और उसकी खराब कंडीशन हो जाती है तो इसलिए दिस स्ट्रेचिंग इज़ यूजअली अवॉइडेड अब बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग को थोड़ा और डिटेल में पढ़ें, तो यह हाई वेलोसिटी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेच है जैसे मैंने आपको बोला कि एकदम बहुत झटके से किया जाता है और बहुत, क्योंकि बहुत झटके से किया जा रहा है तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में ये स्ट्रेचिंग हो जाती है यह वैसे इफ़ेक्टिव रहती है ये फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करती है शॉर्ट एंड मसल को ये इलोंगेट करने में हेल्प करती है बट क्योंकि यहाँ पे फायदे से ज़्यादा नुकसान आपका ज़्यादा हो सकता है इसलिए इसको रेकमेंड अब नहीं किया जाता क्योंकि कई बार क्या होता है ना एकदम से करने के चक्कर में आप जो मूवमेंट है उसको बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाते हो है ना आपको नहीं पता रहता क्योंकि ये एकदम इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होती ना कि आपका उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहेगा आप धीरे धीरे करोगे उस चीज़ पर तो आपका कंट्रोल है बट आप एकदम से करो तो आपका कैसे रहेगा नहीं रह पाएगा ना तो ये चीज यहां पे होती है इसलिए क्या होता है? इसको हम यूजुअली अवॉइड करते हैं क्योंकि मसल के अंदर माइक्रोटोमा इंजरी वगैरह होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस स्ट्रेचिंग के अंदर थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग प्री कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेचिंग है ना इसमें क्या होता है इट इन्वॉल्व्स अ कंट्रैक्शन ऑफ द मसल बींग स्ट्रेच और इट्स एंटागनिस्ज बिफोर स्ट्रेचिंग यानी कि स्ट्रेच देने से पहले मैंने मसल को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करवाया देखो मैं यहाँ पे इस, इसी फॉराम फ्लेक्सर्स की बात करूँ तो स्ट्रेचिंग इनकी ऐसे होगी बट मैंने थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस दिया कॉन्ट्रैक्ट करवाया मसल को और फिर मैंने स्ट्रैच दे दिया सो दिस इज प्री कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेचिंग ये एक ऐसे तरीके की स्ट्रैचिंग होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है साथ में स्ट्रेचिंग भी हो रही है तो दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं पर पहले हम कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं और फिर हम स्ट्रेचिंग दे रहे हैं अब इसका रीजन क्या होता है तो अगर आपने पी एन एफ ढंग से पढ़ा है तो आपको इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इसका बेसिकली ये मतलब रहता है कि हम पेशेंट को रिलैक्सेशन देना चाहते हैं और एक सूदिंग इफेक्ट देना चाहते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें हम देते हैं इसके अंदर इसका जो डिटेल्ड में रीजन है है ना जो फिजियोलॉजी है इसकी वो आपने जब पी पढ़ा होगा तब आपने ज़रूर समझा होगा और अगर आपने नहीं पढ़ा आपको नहीं आया तो ये मेरी पी की प्ले लिस्ट है यहाँ पर भी आई बटन में आपको इसका मिल जाएगा और लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा है ना तो वहाँ से जाके ज़रूर पी की जो सारी प्ले है वो आप जाके ज़रूर चेक करना इसका आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा अब यहाँ पे भी देखो दो तरीके की स्ट्रेचिंग थी पी एन एफ स्ट्रैचिंग एंड दी अदर स्ट्रेचिंग तो पी एन एफ में क्या होता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन इसके बारे में डिटेल में पढ़ना क्योंकि वैसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइवा एक्सटर्नल प्रैक्टिकल थ्योरी सब पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी समझ लो है ना तो पी एन एफ पढ़ना स्ट्रेचिंग पढ़ना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो पी एन एफ अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके पढ़ लेना इसमें कौन कौन सी स्ट्रेचिंग आती है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होल्ड रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स अगेनेस्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरी जो स्ट्रेचिंग की टेक्निक्स होती है यहाँ पे वो होती है पी आई आर पी एफ एस एंड मेट मेट इज मसल एनर्जी टेक्निक विच इज एन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक तो ये पढ़ना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वाइवा में ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से तो सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स तो यहाँ पे क्या होता है ना जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट को लेके गया एंड रेंज लिम्ब का जो एंड रेंज है वहाँ पे लेके गया जैसे ही एंड रेंज पे लेके जाएगा तो वो पेशेंट को बोलेगा कि जो अपोजिट मसल ग्रुप है ना आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करो ठीक है यानी कि जिस मसल की स्ट्रेचिंग देनी है ना हमें फॉर एग्जाम्पल हेमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग देनी है तो मैं पेशेंट को ना बिल्कुल उसके एंड रेंज पे ले जाऊंगी और फिर बोलूंगी कि अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो या फिर मैं उसकी क्वाड्रिसेप्स मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगी तो so, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं मान लो मुझे हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करनी है और हैमस्ट्रिंग के अंदर मुझे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स देना है तो नी क्या है नी इज़ एक्सटेंडेड एंड द हिप इज इन फ्लेक्शन ठीक है पेशेंट जो है वो लेटा हुआ है और उसका पैर ऐसे ऊपर है ठीक है एस वाली पोजिशन में जब मैंने इसका एंड रेंज अटेन कर लिया कि पेशेंट कह रहा है कि हाँ इससे ज़्यादा अब मैं नहीं कर सकता ये वाली मूवमेंट तो वो हो गया उसके लिए एंड रेंज उसका है ना ये हम पैसिवली कर रहे हैं राइट तो एंड रेंज हो गया एंड रेंज में मैं लेके गई पेशेंट को फिर मैंने बोला कि आपका जो अपोजिट मसल ग्रुप है यानी कि जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उसको हमें क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट करवाना है ठीक है उसकी वजह से क्या होगा जो हैमस्ट्रिंग मसल है मेरी जो एग्नेस्ट मसल है उसके अंदर आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा फिर आप यहाँ पे दो तीन बार इस तरीके से ही स्ट्रेचिंग कराओगे फिर उसी पोजीशन में रख के रख के आपको लिब को नीचे नहीं लेके आना उसी पोजीशन में रख के रख के आप उसको थोड़ा आगे की तरफ लेके जाओगे वहाँ पे फिर आप सेम प्रोसीजर करोगे हिप फ्लेक्सर्स यानी कि क्वाड्रिसेप मसल का फिर से कॉन्ट्रैक्ट कराओगे जिसकी वजह से थ्रू रेसिप्रोकल इनोवेशन जो आपकी कॉड्री हेमस्ट्रिंग मसल है उसके अंदर आपको रिलैक्सेशन फील होगा और उसकी स्ट्रेचिंग होगी राइट फिर आप उसको एक नई रेंज पर लेके जाओगे एंड दिस इज़ हाउ द हैमस्ट्रिंग मसल इज़ स्ट्रेच्ड नेक्स्ट टेक्निक जो आती है यहाँ पे वो है होल्ड रिलैक्स अब ये सारी जो टेक्निक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना बच्चों यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ और बेसिक डेफिनेशन के साथ समझाया है पी जब आप मेरी वीडियोस जाके देखोगे ना तो वहाँ पे इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस बने हुए हैं ठीक है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स पे अलग होल्ड रिलैक्स पे अलग रेसिप्रोकेशन पे अलग रेप्लीकेशन पे अलग है ना तो ये सारी वीडियोज आप वहाँ से डिटेल में पढ़ लेना होल्ड रिलैक्स में क्या होता है यहाँ पर भी सेम हम पेशेंट को एंड रेंज ऑफ मूवमेंट पर लेके जाते हैं वहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं कि आप आइसोमेट ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करो वहां पे हम आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन करा रहे थे यहां पे हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं हम फोर्स लगाते हैं और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है जब पेश में कुछ रिलैक्सेशन फील हो जाता है तो हम उस लिम्ब को थोड़ा और आगे लेकर चले जाते हैं एक न्यू पोजिशन अटेन कर लेते हैं जैसे ही न्यू पोजिशन अटेन होती है तो हम फिर से इसका कॉन्ट्रैक्शन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं और फिर से एक नई पोजिशन अटेन करते हैं अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इसकी बेसिक फिजियोलॉजी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है वो आपके जी यानी कि गोलजी टेंडन ऑर्गन जो आपकी मसल टेंडन के अंदर होता है उसको एक्टिवेट कर देती है जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल भेजेगा जैसे ही उनके पास सिग्नल जाते हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं थ्रू द रिलैक्सेशन इम्पल्स थ्रू द आई फाइबर्स अब ये सारा आपने सर्किट पढ़ा होगा मसल फिजोलॉजी में है ना कि कैसे मसल के अंदर इंट्राफ्यूजल एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं फिर वहां पे यू नो आपने स्ट्रेच रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ा होगा है ना वहां पर क्लियर हो जाएंगी बट जो होल्ड रिलैक्स है उसका बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर वो काम करता है उसकी जो बेसिक फिजियोलॉजी है वो आपको इस स्लाइड से क्लियर हो जाएगी अगर आप चाहते हो मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊ तो जरूर मुझे कमेंट्स में उसके बारे में आप बता देना मैं उसके बारे में भी वीडियो जरूर बनाऊंगी अब यहां पर फिर से हम एग्जाम्पल से समझते हो कि बिना एग्जाम्पल के तो हमें समझ आएगी नहीं चीज़ें है ना क्योंकि वेगली चली जाएंगी जो रट्टा हो गया अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है फिर से हम हैमस्ट्रिंग का एग्जाम्पल ले रहे हैं पेशेंट जो है वो आराम से मस्त लेटा हुआ है ठीक है आपने उसके पैर को ऊपर उठाया एस वाली पोजिशन के अंदर अब यहां पर आप क्या बोलोगे पेशेंट को कि मैं आपको रेजिस्टेंस दे रही हूं आपको इसी पोजिशन पर अपने पैर को होल्ड करने की कोशिश करनी है आप क्या दे रहे हो उसे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हो है ना उसकी वजह से क्या होगा पेशेंट को रिलैक्सेशन फील होगा और जैसे ही पेशेंट को रिलैक्सेशन फ़ील हुआ आपने एक नई रेंज में लेके चले जाना है ऐसा नहीं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराई और फिर से पैर को नीचे लेके आ गए और फिर से एक नई रेंज में लेके जा रहे नहीं जितना पैर उठा हुआ है सपोज इतना उठा हुआ है ना पैर बेड से तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराई फिर यहीं की यहीं इसकी न्यू रेंज पर आ गए और फिर यहाँ पर दोबारा आइसोमेट्रिक कराई फिर न्यू रेंज पर आ गए बार बार पैर को नीचे लोअर डाउन नहीं करना है ना तो ये होता है आपका होल्ड रिलैक्स का पूरा प्रोसीजर प्रॉपर जो मैंने आपको बताया फिर एक तीसरी चीज आती है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स तो नाम से तो बहुत हाई फाइल लग रहा है इसके अंदर देखते हैं में से CRAC कहते हैं में कहते इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके एंटेगनिस्ट स्ट्रेच्ड विच इज़ फॉलोड बाय अ सिक्स टू फिफ्टीन सेकेंड यानी कि पंद्रह सेकेंड का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस तो यहाँ पे भी हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन दे रहे हैं अब ये वाली जो कॉन्ट्रेक्शन है ये इसके हम किससे फॉलो करेंगे बाय सिक्स टू फिफ्टीन सेकेंड ऑफ कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अगेनेस्ट क्व्रिसेप्स का दिस इज फॉलोड बाई ट्वेंटी सेकेंड ऑफ रेस्ट इज ये पूरा प्रोसीजर हो गया फिर हमने बीस सेकेंड का रेस्ट दिया उसके बाद हम दूसरी साइकिल शुरू करते हैं इस कॉन्ट्रेक्शन की अब यहां पे जो हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन दे रहे हैं ना एंटेगनिस्ट को जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल है उसके दो पर्पज हैं क्या जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है ना वो एक पोस्ट आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन इंड्यूस करता है जिसकी वजह से जो मसल की टोन है ना वो भी कम होती है प्लस एक रिलैक्सेशन की जो फीलिंग है वो भी आपको यहां पे मिल जाती है अब क्योंकि आप आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हो तो उसकी वजह से जो आपके फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं उनके अंदर फिटिंग हो, हो जाएगा जल्दी क्यों क्योंकि वो फास्ट ट्विच है है ना तो उनकी जो कैपेसिटी रहती है फोर्स प्रोडक्शन की क्योंकि यही वो फाइबर्स होते हैं जो सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं है ना और सबसे जल्दी थकते भी यही हैं तो इनकी फोर्स प्रोडक्शन का आउटपुट है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से जो स्ट्रेच पर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पेशेंट का स्ट्रेचिंग कराया होगा ना कभी तो पेशेंट अपनी मसल को ना या उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को बहुत स्टिफ कर लेते हैं बहुत टाइट कर लेते हैं तो अगर आप ये चीज करते हो ना तो वो चीज आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगी अब हम बात करते हैं अबाउट अनदर टेक्निक्स तो अभी तक हम पढ़ रहे थे अबाउट पीएनएफ पीएनएफ की हमने तीन टेक्निक्स पढ़ी एक्चुअली क्या होता है ना पीएनएफ के अंदर काफ़ी सारी टेक्निक्स आती हैं है ना बट जब हम स्ट्रेचिंग के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो ये तीन टेक्निक्स आती हैं पी की पी के अंदर बच्चों बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं वो पी का एक ब्रॉडर पूरा परस्पेक्टिव है बट जब हम स्ट्रेचिंग के परस्पेक्टिव में पढ़ते हैं ना तो पी का कुछ पार्ट ही हम वहाँ से लेते हैं कि हाँ ये स्ट्रेचिंग में काम आता है बाकी सारा एन हम छोड़ देते हैं बट आपको पी नहीं छोड़ना आपको अपना PNF पढ़ना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके जरूर पढ़ना अब हम बात करते हैं अबाउट द पोस्ट आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पी इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ये सबसे पहले डेवलप किसने कही टेक्निक कारन लिविट ने वैसे पूछता कोई नहीं है जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है पेपर में लिख के आओगे टीचर थोड़ी इंप्रेस हो जाएगी ये किसके ऊपर कंसेप्ट वर्क करता है ऑटोजेनिक इनिबेशन अब ऑटोजेनिक इनिबेशन भी पीएनएफ का वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल है है ना तो अगर नहीं पता तो पीएनएफ का वीडियो देख लो इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ पीएनएफ उसमें आपको सारे प्रिंसिपल्स ये मिल जाएंगे पीएनएफ एन एफ टोटल सिक्स प्रिंसिपल पर काम करता है सो दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑटोजेनिक एनेबेशन पी क्या होता है इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन मसल टोन इन अ सिंगल और ग्रुप ऑफ मसल आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ सम मैक्सिमल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेम मसल मतलब क्या हो?

1984 इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका रेफरेंस आपको एंड में मिल जाएगा वहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है तो जो मसल है उसको हम एक लेंथ पे लेके जाते हैं जहाँ पे पेशेंट को पेन नहीं होता और जहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट भी हमें सबसे पहले देखने को मिलता है वहाँ पर हम सब मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं कौन सी कॉन्ट्रैक्शन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ठीक है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी यहाँ पर ठीक है ऑफ द हाइपरटोनिक मसल विच इज़ परफॉर्म अवे फ्रॉम द बैरियर कौन सा बैरियर फ्रॉम द रेजिस्टेंस पॉइंट वेयर रेजिस्टेंस वॉज नोटेड वहां से बिटवीन फाइव टू टेन सेकेंड्स हम रहते हैं और रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में और कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होगा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन होगा जैसे ही आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन खत्म होता है तो आप पेशेंट को क्या बोलोगे रिलैक्स करने को बोलोगे कि अब आप, आप छोड़ दो अब कॉन्ट्रैक्ट मत करो एंड यू एक्जेल एंड इनहेल राइट right. उसके बाद क्या करोगे आप जेंटल एक स्ट्रेच दोगे और थोड़ा आगे की तरफ उसके जो पैर है या फिर जो भी बॉडी पार्ट आप ट्रीट कर रहे हो थ्रू दिस टेक्निक उसको लेके आओगे जैसे ही नया बैरियर आता है आपको नया पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है वहाँ पे भी आपको सेम प्रोसीजर रिपीट करना है और ऐसे कर करके आप जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है उसको भी इंक्रीज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ योर मसल नेक्स्ट इज द पोस्ट फैसिलिटेशन स्ट्रेच जिसको पी भी कहते हैं तो ये जो टेक्निक है ये डेवलप करी थी जेंडा ने अब जेंडा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं हमारे पीएनएफ में भी और वैसे भी इन्होंने काफ़ी काम किया है तो ये भी जो फैसिलिटेशन स्ट्रेच है ये भी किसके ऊपर काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोजेनिक एनिवेशन राइट इसमें क्या होता है जो हाइपर या फिर जो शॉर्टेंड मसल है इसको हम बीच में रख देते हैं मान लो ये एक मसल है ये इसका फुली स्ट्रेस्ड पोजीशन है और ये फुली रिलैक्स पोजीशन है तो हमने इसको बीच में रखा कि ना तू ज्यादा स्ट्रेच में जा ना तू ज्यादा रिलैक्सेशन में जा लंबाई में जा बीच में रह उसके बाद क्या कहते हैं हम पेशेंट को कहते हैं इस आज टू कॉन्ट्रैक्ट द अगेंस्ट यूजिंग अ मैक्सिमम डिग्री ऑफ एफर्ट जितना आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो अपनी अगेंस्ट मसल को उतना कॉन्ट्रैक्ट करो फॉर 5 टू 10 सेकंड्स हमारे रेजिस्टेंस के लिए ठीक है हम रेजिस्टेंस लगाएंगे और पेशेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके बाद पेशेंट को हमें क्या बोलना है आप रिलैक्स करो एंड रिलीज द एफर्ट अब आप एफर्ट लगाना छोड़ दो कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ दो उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो फिर से एक रैपिड स्ट्रेच अप्लाई करता है टू द न्यू बैरियर वहाँ पे उसे होल्ड करेगा वो टेन सेकेंड्स के लिए पेशेंट रिलैक्सेस फॉर अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी सेकेंड्स आपने पेशेंट को जब बोला कि अपना एफर्ट लगाना छोड़ दो कॉन्ट्रैक्शन करनी बंद कर दो तो बीस सेकेंड तक उसको ये करना है उसके बाद ये जो पूरा प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया अभी ये हमें दोबारा से रिपीट करना है ऑन द न्यू बैरियर ठीक है तो यहाँ पे भी देखो सबसे नीचे मैंने वही लाइन लिखी है कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम अ न्यू बैरियर द मसल इज प्लेस बिटवीन द फुली स्ट्रेच्ड एंड अ फुली रिलैक्स स्टेट बिफोर एवरी रेपिटेशन ऐसा नहीं बिल्कुल एंड रेंज में जाके बिल्कुल लिमिट पे जाके रोकना जैसे हम अभी करते आ रहे थे इसमें यह डिफरेंस होता है कि हम बीच में रखते हैं ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा ठीक ठीक रहो राम राम शाम शाम तो इसमें हमारा ऐसा फंडा रहता है ठीक है अब आते हैं प्रिकॉशन तो अब तक हमने क्या पढ़ा टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेचिंग तो वो सारा आ गया इसके अंदर अब हम पढ़ते हैं प्रिकॉशन तो प्रिकॉशन भी हम दो तरीके से दे सकते हैं मैनुअल स्ट्रेचिंग के प्रिकॉशंस अलग हैं जो हम उन्हें करा रहे हैं और सेल्फ स्ट्रेचिंग का प्रिकॉशन अलग रहता है जो पेशेंट खुद करता है जब स्ट्रेचिंग तो उसमें भी हमें उसे बताना होता है कि आपको किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है सबसे पहले मैनुअल स्ट्रेचिंग में यानी कि जब हम एज अ थेरेपिस्ट पेशेंट को स्ट्रेचिंग कराते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि जो जॉइंट है उसको क्योंकि हम पैसिवली स्ट्रेच करा रहे हैं पेशेंट को तो हमें ओवर स्ट्रेच नहीं करना है ना हर इंडिविजुअल का जो नॉर्मल आर ओ एम है वो वेरी करता है कोई हाइपर मोबाइल होगा कोई हाइपो मोबाइल होगा कोई ठीक ठीक होगा ना हाइपो ना हाइपर तो उस अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेच देना है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रीम पेन यही दे, नहीं देना ऑस्टियोपोरोसिस अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या कंडीशन होती है बच्चों हॉलोविंग ऑफ द बोन होने लग जाती है बोन का जो डेंसिटी है बोन का जो मास है वो कम होने लग जाता है इसका मैं आपको एक केस बताती हूँ जब मैं स्ट्रेचिंग के बारे में हमारी जब मैम हमें पढ़ा रही थी तो उन्होंने इसका एक एग्जांपल दिया था जिसकी वजह से मुझे अच्छे से याद हो गया था कि भाई ऑस्ट्रोपोरेसिस में तो हमें ज़्यादा स्ट्रेच देना ही नहीं है चाहे पेशेंट आपको कहे भी ना कि आप दो स्ट्रेच फिर भी नहीं देना तो उनके क्लिनिक में एक केस आया था उसमें क्या हुआ कि लेडी को जो पेशेंट आई थी उनको ऑस्ट्रोपोरेसिस की प्रॉब्लम थी राइट अब उन मैम ने क्या किया उनके वहाँ पर एक थेरेपिस्ट थे उन्होंने क्या किया उन आंटी को उन्होंने स्ट्रेच दिया तो जैसे ही वो हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच दे रहे थे उन्हें तो हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच वो नी बेंड करके दे रहे थे ताकि उनके ग्लूट्स पे भी स्ट्रेच आए राइट तो जब वो स्ट्रेच दे रहे थे तो उनकी बोन में क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस था और ऑस्टियोपोरोसिस भी काफ़ी अच्छा खासा था तो उनके रिब केज के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि उनके रिब में फ्रैक्चर हो गया मतलब सोच सकते हो सुपाइन पोजिशन में आप किसी को स्ट्रेच दे रहे हो ठीक है विथ नी बेंड है ना आप स्ट्रेच दे रहे हो हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स का और वो इतना ज़्यादा उनके थोरासिक लेवल पे प्रेशर पड़ा आई डोंट नो कि अब उनको एग्जीलेशन और इनहेलेशन के लिए कह रहे थे स्ट्रेचिंग के टाइम पे आई डोंट नो बट हाँ उनका वहाँ पे रिप फ्रैक्चर हो गया और एक छोटी सी गलती की वजह से पेशेंट का भी नुकसान जो हुआ हुआ और जो थेरेपिस्ट है उनका भी लाइसेंस कैंसिल हो गया है ना तो इस बात का हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है कि ऑस्ट्रोपोरोसिस में बिल्कुल लाइट एंड माइल्ड स्ट्रेचिंग देनी है स्ट्रेचिंग देने से पहले अच्छे से पहले सारी कंडीशन पेशेंट से पूछ लो ऐसी सिचुएशन कभी आपके साथ नहीं होनी चाहिए वरना बहुत बुरा फसोगे ठीक है उसके अलावा जो ओवर वीक मसल्स हैं एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं उनकी हमें ओवर स्ट्रेचिंग ज़्यादा अब ओवर स्ट्रेचिंग तो चाहे कोई सी ही मसल हो किसी की भी नहीं करनी है ना ओवर स्ट्रेचिंग इस चीज़ का भी ध्यान रखना है अगर एडिमेटस टिश्यू है किसी टिश्यू में इंजरी एक सॉरी अगर कोई टिश्यू एडिमेटस है किसी टिश्यू के अंदर आपको स्वेलिंग दिख रही है तो वहाँ पर भी आपको स्ट्रेचिंग नहीं देनी क्यों क्योंकि वहाँ पर इंजरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे पेन होगा तो इसलिए हमें वहाँ पे स्ट्रेचिंग नहीं देनी है अवॉइड करना है जो डोसेज है स्ट्रेचिंग की वो धीरे धीरे बढ़नी चाहिए अगर मान लो कोई पेशेंट है उसको हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच है तो आप उसको पहले भाई 65 डिग्री तक ही स्ट्रेच दे दो जरूरी थोड़ी ना 90 डिग्री तक ही पहले दिन लेके जानी है सारी चीज़ें धीरे धीरे करके अपना स्ट्रेच का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ाओ स्ट्रेच का जो रेंज है वो बढ़ाओ ठीक है एकदम से ये नहीं कि बंदा का बिल्कुल स्टिफ है बॉडी बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड uh, स्टेट में है मसल और अब उसको बिल्कुल हंड्रेड परसेंट स्ट्रेच में तो आज ही दूंगा ऐसा नहीं करना इंजरी हो जाएंगे सोरनेस हो जाएगी माइक्रोट्रामा हो जाएगा मसल के अंदर ठीक करने के बजाय उसको और बिगाड़ दोगे तो वो चीज नहीं करनी ठीक है अगर आपके पेशेंट को इस तरह की सेंसेशन रहती है कि हां कुछ दर्द हो रहा है मसल सोनेस 24 आवर्स है ना कि आपने अगर आज मान लो और आपने उसको आज स्ट्रेचिंग दी और कल जब वो आपके पास आ रहा तब भी वो कंप्लेन कर रहा है कि हाँ मुझे मसल में सोरनेस रह रही है मुझे यहाँ पे तो दुखन हो रही है कुछ प्रॉब्लम हो रही है मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पे तो दैट मीन्स आपने उसे कल ओवर स्ट्रेचिंग दी है और उसी की वजह से उसको अभी तक जो सिम्टम्स हैं वो आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा विग्र स्ट्रेचिंग हमें किन चीज़ों की नहीं देनी उन मसल और कनेक्टिव टिश्यू की जो कि बहुत टाइम से इमोबलाइज है जैसे जब पेशेंट का फ्रैक्चर होता है मान लो किसी का यहाँ रिस्ट का फ्रैक्चर हुआ तो वो प्लास्टर कर देते हैं यहाँ से पूरा तो पेशेंट का जो हाथ है वो काफी दिनों तक यूं ही रहता है है ना गले में वो स्लैब डाल देते हैं और यह ऐसे हाथ ही रहता है तो जब वो स्लैब हटता है ना तो रिस्ट पर तो चलो कोई बात नहीं बट जो एल्बो है ना वो एक्सटेंशन करने में पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है क्यों क्योंकि दो तीन महीने तक जो पेशेंट का एल्बो है वो फ्लेक्शन में ही था तो ये एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम है कि उसका जो एल्बो है वो इमोबलाइज रहा है है ना तो वहाँ पे हमें एकदम से बहुत ज़्यादा विग्रस् स्ट्रेचिंग अपनी पूरा 100 परसेंट नहीं दे देना स्ट्रेचिंग में धीरे धीरे ग्रेजुअली हम उसकी स्ट्रेचिंग करवाएंगे है ना इस चीज़ का ध्यान रखना है बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग हमें बिल्कुल नहीं देनी क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन और हाई इंटेंसिटी की होती है तो उसकी वजह से तो इंजरी के चांसेस तो ज़्यादा ही हैं ठीक होना तो भूल ही जाओ है ना और हमें इतना स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस भी नहीं होता तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है अब ये तो बात हुई थी कि हमने मैनुअल स्ट्रेचिंग में क्या देना है अब सेल्फ स्ट्रेचिंग आपने पेशेंट को सिखा दिया कि अपना कॉडरी स्ट्रेच कर लो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर लो ठीक है स्ट्रेच शोल्डर की मसल स्ट्रेच कर लो उसको क्या ध्यान देना है कि इन वार्म अप पेशेंट ने वार्म अप नहीं किया स्ट्रेचिंग से पहले यूजुअली ये कहा जाता है कि आप एक हॉट पैक ले लो उससे क्या होता है ना मसल जो होती है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है अगर मैं आपको लेमन भाषा में समझाऊं तो जब आप स्ट्रेच देते हो ना तो वो बहुत आसानी से भी हो जाता है और बहुत इफेक्टिव भी रहता है उसके बाद लैक इफेक्टिव मेथड ऑफ सेल्फ स्टेबलाइजेशन फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्लेक्शन मुझे ये फॉरम फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग देनी है बट मेरा जो एल्बो ज्वाइंट है वही स्टेबलाइज नहीं है तो क्या अच्छे स्ट्रेच हो पाएगा नहीं ना या तो डिस्टल पॉइंट या फिर प्रोगल पॉइंट जब स्ट्रेचिंग दे रहे हो तो तो इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट आपका स्टेबलाइज होना चाहिए दूसरे पे आपकी मूवमेंट होगी जहां से आपको स्ट्रेच फील होगा तो जब इफेक्टिव स्टेबलाइजेशन नहीं रहता क्योंकि आप खुद ही स्ट्रेचिंग कर रहे हो और आप खुद ही अगर सेल्फ स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हो तो स्ट्रेचिंग करने आपको स्ट्रेच आएगा ही नहीं ठीक है फर्क तो दूर की बात है बहुत ज्यादा आपको एक्सेसिव इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेच नहीं यूज करना है बहुत ही माइल्ड आपको सिखाना पड़ेगा पेशेंट को ठीक है यूज ऑफ एब नॉर्मल बायोमेकेनिक्स टेढ़े मेढ़े खड़े होकर स्ट्रेच दे रहे हैं आना कहीं और चाहिए जा कहीं और रहा तो ये चीज उनको सिखानी है ठीक है हमें उनको इन्फॉर्म करना है अबाउट द एज रिलेटेड डिफरेंसेस इन फ्लेक्सिबिलिटी अब एक छोटा बच्चा है उसकी जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो अलग होगी जो मिडिल एज के हैं उनकी अलग होगी जो एल्डरली हैं उनकी अलग होगी तो सबको ये हमें बताना होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन बेलिस्टिक स्ट्रेचिंग तो हमें उन्हें सिखानी ही नहीं है जब हम ही नहीं कर रहे तो हम किसी को सिखाएंगे क्यों तो वो हमें इनको सिखानी ही नहीं है ठीक है नेक्स्ट आता है इंडिकेशन तो देखो वैसे तो स्ट्रेचिंग हम बहुत सारी कंडीशन में दे सकते हैं अगर मैं कंडीशन वाइज लिस्ट बनाने जाऊंगी तो वो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी है ना बट यहाँ पे मैंने मेन ब्रॉड कैटेगरीज लिख दी हैं पोस्ट प्रोमैटिक स्टिफनेस पोस्ट इमोबलाइजेशन स्टिफनेस अब इमोबलाइजेशन किसी भी वजह से हो सकती है फ्रैक्चर वगैरह कुछ भी रिस्ट्रिक्टिव मोबिलिटी सॉफ्ट टिश्यू स्टिफनेस हील्स बर्न स्कार्स फियर ऑफ पेन स्पाज अदहेशन फॉर्मेशन हो गए हैं कॉन्ट्रैक्चर बन गया है किसी तरीके का मस्कुलर में है, इज अपर मोटर न्यूरोन यूएमएनएन लेजन, ठीक है तो इन सारी ब्रॉड ब्रॉड कंडीशन में इनके अंदर ऑब्वियसली काफी कंडीशन आप डाल सकते हो खुद से भी यहां पे मैंने ब्रॉडली क्लासीफाई किया है इनका इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिगेशन अब चाहे इंडिगेशन याद होना हो इंडिकेशन जरूर याद होने चाहिए कौन कौन से बोनी ब्लॉक है कोई ठीक है रीसेंट फ्रैक्चर है इनकम्प्लीट बोनी यूनियन एक्यूट इन्फ्लेमेशन है हाइपर मोबिलिटी एडिमेटस टिश्यू है ऑस्ट्रोपोरासिस तो का तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है हीमार्थ्रोसिस तो इन सारी कंडीशन के अंदर कभी भी आपको स्ट्रेचिंग नहीं देनी है रिसेंट फ्रैक्चर हुआ है कोई अभी अब ऑब्वियसली फ्रैक्चर में तो स्ट्रेचिंग नहीं दे दोगे ना उसकी हड्डी टूटी हुई है स्ट्रेच क्यों दोगे उसे क्रॉनिक रोमेथाइड अर्थराइटिस इंजेक्शन ओवर टाइट टिश्यूज़ फ्लियल ज्वाइंट अन स्कार्स न्यूरोपैथिक जॉइंट आफ्टर जॉइंट आर्थ्रोप्लास्टी एंड मेलेग्नेंट ट्यूमर्स तो इन सारी कंडीशन में भी योर स्ट्रेचिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड अब स्ट्रेचिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि ये मसल सोरनेस को रिड्यूस करता है बट अगर आपने ओवर स्ट्रेच दिया तो मसल सोरनेस आ जाती है मसल और जॉइंट की फ्लेक्सीबिलिटी को इम्प्रूव करता है उसकी वजह से क्या होगा जो मसल की मूवमेंट है वो ज्यादा होगी लोअर बैक प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको कहा था हैमस्ट्रिंग मसल टाइट है तो लो बैक में वो प्रॉब्लम देगी तो उसका हमें प्रिवेंशन हो जाएगा या फिर वो पेन भी ठीक ठीक हो जाता है फ्लेक्सिबिलिटी और स्टैमिना इंप्रूव होता है अब ऑब्वियसली आप स्ट्रेचिंग uh, कर रहे हो तो आपका जो बॉडी का अलाइनमेंट है वो भी अच्छा होता है और उसकी वजह से जो आपका बॉडी का पॉस्चर है वो भी इम्प्रूव होता है आपका जो शुगर लेवल रहता है ब्लड के अंदर वो भी ठीक होता है अब क्योंकि आपका अलाइनमेंट अच्छा है पॉस्चर अच्छा है तो आपकी जो सेल्फ इमेज है वो भी अच्छी रहती है आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी इंप्रूव होती है क्यों क्योंकि मसल अपनी नॉर्मल एक्सटेंसिबिलिटी फ्लेक्सीबिलिटी पर आ गई है सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेचिंग सो ये इसका पार्ट वन था पार्ट टू देखने के लिए यहां पे इस वीडियो को जल्दी से क्लिक कर दो और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल